हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने लाइफ साइंस का यूनिट वन का पहला चैप्टर सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिटेक्शन ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स इन प्लांट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ चेंजेस फेवरेबल होता है और एडवांटेजियस भी होता है। ठीक है, वाइल जो अनफेवरेबल चेंजेस होता है जिसे मतलब उसको जोर जबरदस्ती करके अडेप्ट करने पड़ता है, वो हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? एबिलिटी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी प्रकार का चेंज को ऑब्जर्व करके उस पर रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स करना। ठीक है, चेंजेस जिसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं और वो जिसकी वजह से रिस्पॉन्स होता है उसे हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो स्टिमुलाई के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, स्टिमुलस और स्टिमुलाई इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो स्टिमुलस का डेफिनेशन क्या है? किसी भी तरह का फिजिको केमिकल चेंज ऑफ एनर्जी जो होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसके वजह से एक इम्पल्स और रिस्पॉन्स मतलब किसी भी प्रकार का इफेक्ट आए हमारे बॉडी में जिसके वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट हो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म में, उसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। एग्जाम्पल वाटर, टेम्परेचर, हार्मोन एटसेट्रा। ठीक है, स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल क्या क्या स्टिमुलस हो सकता है? वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन। और इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर जो होता है वो हार्मोन, न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, किसी भी प्रकार का चेंज डायरेक्शन या पोजिशन में चेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसे मूवमेंट कहते हैं। और वो मूवमेंट में अगर जगह बदल जाए मतलब प्लेस चेंज हो तो उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली अचानक से या फिर किसी भी इन्फ्लुएंस स्टिमुली की इन्फ्लुएंस के मदद से अपना किसी भी बॉडी पार्ट को मूव कर पा रहा है तो उसे हम लोग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, हायर प्लांट में मूवमेंट कॉमन फिनोमेना है और कुछ एक्सेप्शनल भी प्लांट्स हैं जैसे कि क्लैमाइडोमोनस वॉल्वॉक्स। वो लोग क्या करते हैं? पानी में बहुत धीरे धीरे स्विम करते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस में फिक्स नहीं रहते। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 2 में ये वाला ग्रीन बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जब होल बॉडी ऑर्गेनिज्म का जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट होता है तो उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। ये जनरली एनिमल्स में होता है लेकिन स्पॉन्ज, कोरल, एसीडिया एटसेट्रा वो लोग अपने पर्टिकुलर प्लेस में फिक्स रहते हैं। ठीक है, वो लिटिल बिट मूवमेंट करते हैं लेकिन वो अपना प्लेस को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते। ये एनिमल को हम लोग सेडेंट्री और सेजाइल एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल स्पॉन्ज, कोरल, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला खाली सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये उतना ज़्यादा बस नाम इंपॉर्टेंट है। मोडियम गायरेंस इंडियन एलिग्राफ प्लांट है, ये क्यों होता है बस इसका इसमें सेंसिटिविटी क्यों देखा जाता है? ड्यू टू चेंज इन मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, या चेंज इन टर्जर प्रेशर के वजह से ही होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? डिक्रीज इन टर्जर प्रेशर के वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये मिमोसा प्यूडिका जिसे हम लोग टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट क्या है? एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। ठीक है, जब हम लोग इसका लीफलेट्स को टच करते हैं तो ये क्या होता है? नीचे की तरफ में झुक जाता है। ये इस मूवमेंट को कॉमनली हम लोग सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये सिस्मोनास्टिक क्या होता है। ठीक है, इनफैक्ट जो ये पल्विनस है जिसके नीचे में ये वाला डायग्राम उसका नहीं है। ठीक है, तो इसको रिफर नहीं करना है। ठीक है, तो ये सिस्मोनास्टिक मूवमेंट क्या होता है? जो लीफलेट्स होता है तो लीफ स्टॉक के नीचे में एक सोलन स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग पल्विनस कहते हैं। ठीक है, यही पल्विनस में हाईली सेंसिटिव मोटर सेल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसके वजह से ये मोटर सेल्स में इम्पल्स जनरेट होता है जिसके वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वाटर ड्रॉपलेट जो रहता है पल्विनस में वो ऊजेज आउट। ये साइंटिफिक वर्ड है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर ले जरूर से। ठीक है, ऊजेज आउट मतलब बाहर की तरफ में फव्वारा का तरह निकलता है। जैसे कहीं भी कट लगता है अचानक से तो खून एकदम निकलता है, उसे ऊजेज आउट कहते हैं। पल्विनस से बाहर निकलता है इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस और वहाँ पल्विनस से निकलकर लीफ का इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है। इसकी वजह से टर्जर प्रेशर जो रहता है वो प्लांट का कम हो जाता है जिसकी वजह से प्लांट नीचे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो इसका बस आप लोग सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा, डेस्मोडियम गायरेंस का। इसे इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये
जिसमें इसमें सिस्टमैटिक में देखा जाता है ड्यू टू चेंज इन टर्जर प्रेशर, और इसे मूवमेंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ग्रीन बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। जो चीज हमें मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तरह ही पढ़ना है। ये बात को ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिसे बिलो 85% 90% स्कोर करना है टारगेट है, इनफैक्ट 100% भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्लान बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग दैट यू आर देन यू आर प्लानिंग टू फेल, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं, मतलब आप प्लान कर रहे हैं कि आप फेल हो रहे हैं, मतलब आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ के लिए प्लान नहीं किया तो मतलब ये आपका प्लान हो सकता है कि आप फेल होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आया, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट के बारे में अब लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। 3 मेजर टाइप्स का प्लांट मूवमेंट होता है। पहला टैक्टिक मूवमेंट, दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट, तीसरा नेस्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? इंड्यूस मूवमेंट होता है, मतलब इंड्यूस मतलब कॉज ऑफ चेंज, मतलब किसी भी चेंज का कारण, कॉज ऑफ चेंज, ठीक है। ये एक इंड्यूस मूवमेंट है लोकोमोशन का, जहाँ पे प्लांट फ्रीली मूव या स्विम कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में विद द इन्फ्लुएंस ऑफ विद अनदर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, टेम्परेचर, केमिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। टैक्टिक मूवमेंट भी बहुत तरह का होता है, लेकिन ये अभी सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है अभी। जो कि सिलेबस में है उसी के बारे में सिर्फ पढ़ना है, हमें मार्क्स के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। 1 से लेकर 9 तक जितना समझना था समझ लिए, अभी समझेंगे भी अकॉर्डिंगली समझेंगे, और अकॉर्डिंगली मार्क्स की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, स्ट्रेटजिकली पढ़ना है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो इस प्लान को बदलना है, हो सकता है इस बार ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाए। लेकिन कुछ भी प्लान नहीं बनाना है, बहुत अच्छा से सोच समझ कर प्लान बनाना है, क्योंकि दोबारा बोर्ड्स का मौका नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है। 10 के बाद अब डायरेक्ट 12 आएगा, ठीक है। तो टैक्टिक टैक्टिक में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो फोटो टैक्टिक मूवमेंट है। तो ये क्या है? इंड्यूस मूवमेंट, इंड्यूस ग्रोथ मूवमेंट है लोकोमोशन का, जिसमें प्लांट ग्रो करता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। इसे हम लोग फोटो टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो क्लमाइडोमोनस रहता है और वॉल्वक्स रहता है, वो लाइट की तरफ में मूव करता है बाय द फ्लैजलर मूवमेंट, ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट दूसरा टाइप का मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट। ये एक इंड्यूस मूवमेंट है कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन और पार्ट, ठीक है। प्लांट का कोई भी ऑर्गन है, पर्टिकुलर पार्ट, इसमें क्या होता है? मूव करता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस मूवमेंट है कर्वेचर का, कोई भी प्लांट का ऑर्गन या पार्ट का, जो कि इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस आइदर टूवर्ड्स और अवे, ठीक है। ये जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसका बेसिक टर्म क्या हो गया? इन्फ्लुएंस बाय डायरेक्शन। इसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा? लाइट, टेम्परेचर, केमिकल्स, ठीक है। इसका क्या हो गया? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और जो नेस्टिक आने वाला है वो इस पे डिपेंड करता है, क्या बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी पर, ठीक है। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस का डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो इसे आप लोग ध्यान से करना, ठीक है। तो इसका खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट का? एक इंड्यूस मूवमेंट है कर्वेचर का, ठीक है। सेकेंडली क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस से इन्फ्लुएंस होता है, बस, ठीक है। इसे पढ़ना नहीं है आप लोग को, बस डेफिनेशन पढ़ना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। आंसर को आप बना के खुद से लिख सकते हैं, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस ट्रॉपिक मूवमेंट ऑक्सिन हार्मोन से इन्फ्लुएंस होता है, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट, इसे आप लोग रिमेंबर ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी ये सब डेफिनेशन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, तो आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, तो बस बाकी है, मे बी 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। हेलियोट्रॉपिज्म देख, हेलियोट्रॉपिक एक मूवमेंट है जो सनफ्लावर में पाया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखें, ये ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ पर, ओके। देन वी आर डन अवे विद दिस, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के कितने सारे टाइप्स होते हैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस डेफिनेशन पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस डेफिनेशन में क्या है कि इंड्यूस ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर का, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। फोटोट्रॉपिक, फोटो मतलब लाइट, लाइट पे डिपेंड करता है। जियोट्रॉपिक, जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी जियोट्रॉपिक या ग्रेविटोट्रॉपिज्म, ये तीन तरह के नाम है। ये जो इंड्यूस मूवमेंट है कर्वेचर का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऊपर से वो डिपेंड करता है, तो ये अपोजिट होगा। तो रूट क्या करता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हैंड इज कॉल्ड पॉजिटिवली, रूट नीचे, ग्रेविटी,
ग्रेविटी क्या होता है, ऊपर से कोई भी सामान हम लोग ऊपर उठा लेंगे तो नीचे गिरेगा, तो ये रूट क्या होगा, नीचे तरह जा रहा, तो यहाँ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा और वहीं पर ये पॉजिटिवली नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा। रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में, तो ये क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि सन ऊपर रहता है और ग्रेविटी नीचे की तरफ में एक्ट करता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखें, बस ये आएगा नहीं वहाँ से, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, इसमें प्लांट ऑर्गन सोर्स ऑफ वाटर की तरफ रिस्पॉन्स करता है, तो रूट क्या होगा, रूट जनरली क्या करता है, ग्रो करता है वाटर की तरफ, और इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं। और शूट क्या करता है, अवे फ्रॉम वाटर मूव करता है, तो इसी इससे नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कहते हैं। नेक्स्टली वी हैव नेस्टिक मूवमेंट और नेस्टिज्म, ठीक है। ये एक इंड्यूस मूवमेंट है कर्वेचर का, प्लांट या कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट पार्ट और ऑर्गन, जो कि इन्फ्लुएंस होता है इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, डायरेक्शन से नहीं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें, ठीक है। बस इसका तीन पॉइंट याद रख लेना है, बेसिकली ये मैच्योर प्लांट्स में होता है मेनली, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट वेरिएशन इन टर्जर प्रेशर से होता है, कैसे, टर्जर प्रेशर अप डाउन होगा, तो वो जैसे हम लोग अभी देखे इसमें डेस्मोडियम गायरेंस में और इसमें यूमोसा प्यूडिका प्लांट में, टच में नॉट प्लांट में हम लोग देखे टर्जर प्रेशर में किस तरह से होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विच मूवमेंट इन प्लांट ऑकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन टर्जर प्रेशर, तो आप लोग लिखेंगे आंसर नेस्टिक मूवमेंट, सिस्मोनेस्टिक भी लिख सकते हैं, नेस्टिक मूवमेंट सिस्मोनेस्टिक भी लिख सकते हैं और नेस्टिक मूवमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंटेंसिटी से होता है, बस इसका एक टर्म है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस से होता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट का डिफरेंट टाइप्स आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का डिफरेंट टाइप्स ना आए, लेकिन इसका आ सकता है, ठीक है। फोटोनेस्टिक जो नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड द नेस्टिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड फोटोनेस्टिक, वो नेस्टिक मूवमेंट जो लाइट इंटेंसिटी के चेंज होने की वजह से होता है उसे हम लोग फोटोनेस्टिक कहते हैं। एग्जांपल याद करना बहुत 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 ज़रूरी है, कोई भी आंसर हो, 2 मार्क्स आंसर हो, 1 मार्क्स आंसर हो, एग्जांपल अगर उसका है तो एग्जांपल मेंशन करना, कोई आपसे फुल मार्क्स नहीं छीन सकता है, एग्जांपल देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वाटर लिली, लोटस, सनफ्लावर, ओपन सनराइज पॉपी, ये जो प्लांट है वो सूरज के उगने से मतलब सनराइज पे ओपन होता है और सनसेट पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। बस एक ही एग्जांपल सबको याद रखना है। थर्मोनेस्टिक क्या होता है, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट वेरिएशन इन डिग्री ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की डिग्री में वेरिएशन होने की वजह से थर्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है, इसे हम लोग थर्मोनेस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर्स लाइक ट्यूलिप, क्रोकस ओपन एट हाई टेम्परेचर बट क्लोज विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर, ओके। केमोनेस्टिक क्या होता है, जो नेस्टिक मूवमेंट चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस की इंटेंसिटी में चेंज होने की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग केमोनेस्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ टेंडिल अवे फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, टेंडिल जो रहता है वो क्लोरोफॉर्म से दूर की तरफ जाता है, और ठीक है, कर्विंग ऑफ टेंटेकल्स ऑफ द इंसेक्टिवरियस प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो हम लोग उसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो नेस्टिक मूवमेंट जो इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई की वजह से होता है, सच एज कॉन्टैक्ट विद अ फॉरन पार्टिकल, मतलब किसी भी फॉरन पार्टिकल सिस्मोनेस्टिक, मतलब उसमें टच का सेंसेशन होगा, ठीक है, मतलब जिसकी वजह से उसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर उसमें आकर टच कर रहा है इटसेल्फ, दूर से नहीं कांटेक्ट में आकर टच करेगा, उसके वजह से जो वो रिस्पांस देगा उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। जो हम लोग इसका एक बेहतरीन एग्जांपल क्या है, लीफलेट्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका व्हेन टच दे ड्रूप डाउन, ठीक है। ये बेसिकली अगर डेस्मोडियम गायरेंस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है तो ये वाला आपको पूरा एग्जाम में लिख देना है, बस और कुछ नहीं। जो नेस्टिक मूवमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट और टेम्परेचर दोनों की वजह से हो उसे निक्टिनेस्टिक कहते हैं, एग्जांपल कैक्टस, ओके। डिफरेंशिएशन आप लोग देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों साइमल्टेनियसली आप लोग को कर लेना है, कोई भी दो एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम्पल जरूर से मैंशन करना, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल जरूर से आप लोग मैंशन कर लेना, यहाँ पर दे देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग को जरूर से जरूर मेंशन करना ही है, कुछ भी हो जाए फुल में फुल मिल जाएगा, ओके। सो डैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर या आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर आप लोग को नहीं मिलता कोई आंसर तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ओके। बाकी आप लोग क्वेश्चन यहीं का सॉल्व कर लेना, बाकी जितना से ज़्यादा हो सके, बस एक बार आपने स्कूल में अगर चैप्टर समझ लिया है तो मेरे से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
बस आप लोग उस चैप्टर को खुद से पढ़े, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। 10 का एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, ठीक है। 70% पेपर ईजी होता है, 10 मार्क्स कुछ घुमा के मीडियम रहता है, 10 मार्क्स में कुछ ट्रिकी रहता है जो सबके लिए ट्रिकी है। ये सोच कर पेपर नहीं देना है कि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये हार्ड है, सब कुछ आसान है। 70 मार्क्स का ईजी ही आएगा, और 20 मार्क्स का अगर मान लीजिए हार्ड भी आ रहा है तो सिर्फ आप अकेले के लिए हार्ड नहीं है, सबके लिए हार्ड है। तो ये माइंड में हमेशा रखना है, और क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है ये बात को ध्यान में रखते हुए ही पूरी 10th की जर्नी को पूरा करना है, ठीक है। टिल नाउ टू देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सेकेंड चैप्टर के साथ, दैट इज रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से कर ले। थैंक यू, टिल नाउ टू देन टेक केयर, बाय।